गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रीच फॉर द टॉप, यानी कि सबसे ऊपर पहुंचना। किसकी स्टोरी है ये? दैट इज संतोष यादव। संतोष यादव एक ऐसी लेडी हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे दो बार जा चुकी हैं, दो बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। सो उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड उनकी छोटी सी स्टोरी गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अवर स्टोरी। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. अच्छा, ये जो, अच्छा सबसे पहले बताऊं कि ये जो स्टोरी है ना बहुत इजी लैंग्वेज में है, इजिली आप ध्यान से सुनोगे या एक रीडिंग लोगे आपको इजिली समझ आ जाएगी। सो वो अपनी बात कर रहे हैं कि ये जो ओनली वुमेन है, ये संतोष यादव एक इकलौती ऐसी महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की दो बार चढ़ाई की है, और एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती हैं जहां पे लड़का होना एक वरदान माना जाता है और लड़की होने को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको श्राप समझा जाता है, लाइक उसको पाप समझा जाता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसको वेलकम भी नहीं किया जाता। When her mother was expecting Santosh, जब उसकी मदर को बेबी होने वाला था, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. एक राह चलते एक इंसान ने वैसे उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बेटा हो तब। But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother who was standing close by told him that they did not want a son. साथ में उनकी ग्रैंडमा खड़ी थी, किसकी? संतोष की। अभी तो संतोष पैदा नहीं हुई थी, तो उन्होंने वही तो उनको ब्लेसिंग दी थी कि तुम्हारा बेटा हो, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं हमें बेटी ही चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो भी सरप्राइज हो गया, अभी सबको लड़का चाहिए, इनको लड़की चाहिए। नेवरदलेस इन ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उन्होंने जो उन्होंने ब्लेसिंग मांगी थी बेटे की, उन्होंने बेटे की ही उनको वरदान दिया कि तुम्हारी बेटी हो, और किस्मत, डेस्टिनी मतलब कि उनकी जो किस्मत है, फेट है, वुड हैव इट, और उनको वही मिला। ब्लेसिंग सीम टू वर्क, आशीर्वाद ने काम किया। संतोष जो थी वो छठा बच्चा थी, यानी कि वो अपने पांच भाइयों में छठी बहन पैदा हुई, अ सिस्टर टू फाइव ब्रदर्स। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा में वो पैदा हुई। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उसका नाम संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष को अपनी वो घिसी पिटी ट्रेडिशनल जिंदगी पसंद नहीं थी, वो अपनी लाइफ से कंटेंट यानी कि सेटिस्फाइड नहीं थी। She began living life on her own terms from the start. उसने शुरू से ही अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहा। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जहां पे लड़कियां traditional ऐसे भरे भरे कपड़े पहनती थी, वहां पे संतोष जो थी वो shorts पहनना पसंद करती थी। Looking back, she says now, वो क्या बोलती थी? From the very beginning, I was quite determined. मैं बिल्कुल शुरू से ही determined थी, पक्के इरादे के साथ थी, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। अगर मैंने कोई रास्ता चुना है तो दूसरों को बदलना पड़ेगा, मुझे अपना रास्ता नहीं बदलना, मैं अपने पाथ पे अडिग रहूंगी। अच्छा ठीक है। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। संतोष के पेरेंट्स एफ्लुएंट थे, यानी कैपेबल थे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते थे, और इवन टू कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली में उनको अच्छे से पढ़ा सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, लेकिन उनकी जैसे वो कस्टम, उनके जो रीति रिवाज होते हैं कि भाई बेटियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना, सो इस टाइप की चीजें थी। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, उसको लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ना पड़ा हालांकि पैसे होते हुए भी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, और उसने सोच लिया कि मैं इस सिस्टम से लड़ूंगी। एंड वेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही वक्त आया तो वो लड़ेगी। एंड द राइट मोमेंट came when she turned 16, जब वो 16 साल की हुई तो वो सही समय आया। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियों की शादी की जाती थी, मतलब मेनली 16 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन संतोष वॉज ऑल्सो, अब संतोष के पास भी प्रेशर था कि उसके पेरेंट्स का कि तेरी भी शादी करेंगे भाई, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं गाँवों में, तो फिर वो सबके साथ है ना, तुम अलग नहीं हो सकती।
मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. लेकिन मैरिज का तो ख्याल उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था. शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. वो धमकी देती थी अपने पेरेंट्स को, अगर मेरे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूंगी. शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. उसने घर छोड़ दिया और स्कूल में दिल्ली चली गई और दिल्ली स्कूल में उसने पढ़ाई की. वेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब पेरेंट्स ने पढ़ाई का पैसे देने के लिए मना कर दिया, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम. उसने उनको प्लान किया, इन्फॉर्म किया कि मैं तुम्हें पैसा कमा के अपने जो है खर्चा पूरा कर दूंगी. अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, मैं पार्ट टाइम काम करूंगी और स्कूल फी भर दूंगी. हर पेरेंट्स देन एग्री. तब उसके पेरेंट्स एग्री हो गए और उन्होंने उनको एजुकेशन देने के लिए हाँ कर दी और वो दिल्ली चली गई. Wishing always to study a bit more. हमेशा वो यही कहती है थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ना है. And with her father slowly getting used to her urge for more education, संतोष passed the high school. अब संतोष ने जो है हाई स्कूल अपना पास कर लिया, यानी कि उसने ट्वेल्थ अपने पास कर ली. She अब examinations and went to जयपुर, और जयपुर चली गई. अब she joined महारानी कॉलेज and got a room in कस्तूरबा हॉस्टल. अब उसकी ट्वेल्थ कंप्लीट होगी तो अभी उसे कॉलेज की स्टडी करनी थी, तो वो कॉलेज की स्टडी के लिए पहले स्कूल की स्टडी के लिए कहाँ थी, दिल्ली में, और कॉलेज की स्टडी के लिए कहाँ चली गई, जयपुर में. जयपुर में महारानी कॉलेज था वहां पे और हॉस्टल में रही. दैट द नेम ऑफ द हॉस्टल वॉज कस्तूरबा हॉस्टल. संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स. कस्तूरबा को इसको सॉरी संतोष को अच्छे से याद है कि जो उसका कस्तूरबा हॉस्टल था वहां से अरावली की पहाड़ियां नजर आती थी. आई यूज टू वॉच विलेजर्स. अब संतोष कहती है कि मैं वहां से गांव वालों को देखा करती थी फ्रॉम माई रूम, अपने घर अपने कमरे से पहाड़ियों पे चढ़ते हुए गांव वालों को देखा करती थी. गोइंग अप द हिल पहाड़ी पे चढ़ते थे एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल. वैनिश मतलब गायब हो जाना. ऊपर चढ़े, ऑब्वियसली ऊपर चढ़ गए तो पहाड़ियों ऊपर तक थोड़ी ना दिखाई देती हैं, सो वो गायब हो जाते थे. One day I decided to check it out myself. एक दिन मैंने सोचा मैं भी जाऊंगी. I found nobody except a few mountaineers. मैंने जब जाना शुरू किया तो मुझे थोड़े से माउंटेनियर वहां पे नजर आए. I asked if I could join them. उसने शर्मा के हल्का सा उसने पूछा कि क्या मैं भी चल सकती हूँ क्या. Hesitate, okay. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया कि हाँ हाँ श्योर क्यों नहीं चल सकती तुम. Then there was no looking back for this determined young girl. उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. उसने माउंटेनियरिंग के कोर्स के लिए उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर. अब जयपुर में भी तो पढ़ रही थी. अब जयपुर वाला अलग था उसका कोर्स, लेकिन ये उत्तरकाशी वाला अलग था माउंटेनियरिंग वाला. अभी जयपुर में उसने क्या किया, जयपुर का जो उसका सिलेबस था या जो उसके एग्जाम्स थे वो अप्रैल में खत्म होने थे, लेकिन वो 19 मई को खत्म हुए. अब 19 मई को खत्म होने के बाद उसने 21 तारीख यानी कि 19 को खत्म हुआ और 21 को वो कहाँ चली गई, उत्तरकाशी में उसने एडमिशन ले लिया, यानी कि एक दिन बाद ही. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. अब वो दिल्ली से सीधा जयपुर चली गई, घर नहीं गई. इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. सीधा चली गई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी. अपोलॉजी यानी कि अपनी गलती का एहसास वाला मैसेज. उसने अपने फादर को एक लेटर भेजा. विदाउट दोज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. क्योंकि मैंने उनसे बिना बात किए उत्तरकाशी में डायरेक्ट चली गई, घर भी नहीं आई, उन्हें बताया तक नहीं. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. वहां पे क्या होने लगा, एक्सपेडिशन यानी कि कैंपेन, यानी कि कैंप अभियान चढ़ता है वो वाला हर साल होता था. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली. अब माउंटेनियरिंग का कॉलेज है तो ऑब्वियसली उनकी अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, उनको मेंटली प्रिपेयर, उनको फिजिकली प्रिपेयर, उनकी स्ट्रेंथ को. सो वो अच्छे से प्रिपेयर हो गई. ऑल्सो शी डिवेलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस. और वो इतनी ज्यादा कैपेबल हो गई उसको ठंड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था. विद एन आयरन विल. उसके पास एक लोहे जैसी ताकत हो गई, एक शक्ति हो गई, इच्छा हो गई. फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ थी. एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, दिमागी रूप से उसको था कि बस जाना है. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. और उसने ये चीज करके दिखाई दोबारा से. द कल्बिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992. और 1992 में उसके दृढ़ निश्चय को पीक पे देखा गया, यानी कि सबसे ऊंचाई पे. जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravali mountaineers. अच्छा,
16 साल की थी तो कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था। देन उसके 4 साल बाद यानी कि 20 साल की जब वो हुई तो वो उत्तरकाशी में थी, माउंटेनियरिंग की वो कर रही थी, 1992 की बात है। तो ठीक 4 साल बाद अब वो कहना है कि उसमें कितना फर्क लगा 4 साल के बाद, आफ्टर शी हैड चाइल्ड आस्था रावलियन माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज। 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड एट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, यानी कि सबसे यंगेस्ट वुमेन का उसको वो थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसकी इन चीजों को सीनियर्स इम्प्रेस हुए उसकी इन चीजों से, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क ऑल टुगेदर। अब कोई अच्छा कर रहा उसको देख के पॉजिटिविटी भी मिलती है, तो उसके सीनियर्स को भी उसको देख के अच्छा लगता था, सो साथ में काम करने लगे, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस, उसको अच्छा स्थान देने लगे अपने दिलों में और अपने साथ उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. अच्छा अभी 1992 में जब वो Everest mission वो जा चुकी थी, सो उसको पूरा expert थी, सो एक climber था वो वहाँ से गिर गया था, सो वो उसको मरने वाला था, सो उसको special treatment दे रही थी। She was unfortunately unsuccessful, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाई। However, she managed to save, लेकिन वो उस time पे एक इंसान को बचा पाई, the name of that was Mohan Singh, और उसको उसने अपनी ऑक्सीजन दी जिस वजह से वो बच पाया। विद इन 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम। 12 महीने के अंदर अंदर संतोष ने क्या पाया, खुद को मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन का अभियान की वो हिस्सा बन गई। कौन से अभियान की, इंडो नेपालीज की। उन्होंने उसको ज्वाइन करने के लिए आग्रह किया, लाइक इन्वाइट किया उसको। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और तब उसने दूसरी बार एवरेस्ट पे चढ़ी, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड as the only woman to have scaled at the Everest twice. वही एक women थी जिसने record break किया, 2 बार Everest पे चढ़ी, and securing for herself in India a unique place in the annals of mountaineering. और India की mountaineering की stories में उसने अपना स्थान बनाया। In recognition of her achievement, the Indian government provide upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. और उसकी इन चीजों से भारत सरकार ने खुश होकर उसे पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। Describing her feelings, अपनी feelings को describe करते हुए, when she was literally on the top of the world, Santosh has said, it took some time for the enormity of the moment to sink in. अब वो बोलती है कि हाँ मैं मुझे ऊपर जाके enormity of the moment, यानी कि a very great moment, उसको वहां जाके बहुत great moment का एहसास होता था। Then I unfurled, उसने क्या किया, folded Indian tricolor, जो हमारा तिरंगा है उसको उसने क्या किया, खोला और उसको सबसे ऊपर लहरा और दिखाया कि हमारा जो भारत का झंडा है वो संसार में सबसे ऊपर है। द फीलिंग इज द इनडिस्क्राइबेबल, मतलब कि अकथ्य, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, ऐसे फीलिंग उसको आई थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, एक अच्छी मोमेंट थी जो उसने फील किया। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, उसे इंडियन होने पर गर्व हो रहा था। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kgs of garbage from the Himalayas, और तो और वो एक स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग वाले एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। उसको अपने नेचर से बहुत प्यार था और इसी वजह से जब वो ऊपर माउंट एवरेस्ट से नीचे आ रही थी तो वो लगभग 500 किलो का जो कूड़ा कचरा था, जो गंध था रास्ते में उसे मिला, जो वहां उसे मिला वो उसको नीचे लेके आई और उसने उसको साफ किया, 500 kg गंध। सो ये हमारी एक मोटिवेशनल स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी, छोटी सी इजी स्टोरी थी संतोष यादव के ऊपर, रीच फॉर द टॉप। होपफुली आपको ये पोएम समझ में आई होगी। नाउ इट्स योर टाइम कि आपको स्टोरी को अच्छे से रीड करना है, समझना है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और आपको क्वेश्चन आंसर ट्राई करने हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।